हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट विद ममता से मैं ममता शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ अरहर मलका की दाल। तो फ्रेंड्स, ये दाल मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर ली है, 3-4 बार अच्छे से पानी से, इसको साफ पानी से इसको वॉश किया है। अब हम इसे यहाँ गैस में कुकर रख के इस दाल को इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये तकरीबन 3 गिलास पानी है, यानी एक ही 1 लीटर की बोतल से थोड़ा सा बचा है, 1 गिलास करीब। तो इसमें आप 3 पाव करीब पानी डालें। और आप ये देख सकते हैं, मैंने टमाटर का ऊपरी हिस्सा अलग कर दिया है, और ये छोटे साइज के हैं तो इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। बहुत बड़ा अगर हो तो आप 1 डालें, मीडियम साइज के हो तो 2 डालें, और ये छोटे हैं तो इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। और इनका ऊपरी हिस्सा मैंने ये पहले ही अलग करके रख दिया है। तो अब हम इसे कुकर में डाल देंगे साबुत ऐसे ही। और अब इसके साथ में हम डालेंगे, और अब हम डालेंगे इसमें बेसिक मसाले। सबसे पहले 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, हम लोग बहुत कम मिर्च खाते हैं तो इसलिए कम डाल रहे हैं। और ये 1.5 छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। ये मसालों डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच करीब घी डाल देंगे, पकते समय डालते हैं। और अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे ही हिला लेंगे, कुकर को पकड़ के हिला लेंगे। और अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम 4 सीटियां आने देंगे और उसके बाद देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसकी स्टीम निकलने तक का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसकी विसल कंप्लीट हो चुकी है, इसकी गैस निकल गई है। अब हम इसे खोल के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दाल गल चुकी है, अच्छे से गल चुकी है। और ये जो साबुत टमाटर है ना, इसको हम एक बोल में निकाल देंगे। आप इधर देख सकते हैं कि मैंने इस टमाटो से इसका छिलका भी अलग कर दिया है। और इसको तड़का लगाने के लिए एक बहुत छोटे साइज का प्याज और थोड़ा सा लहसुन की कलियां ली है। अब हम इन्हें फाइन चॉप करेंगे चॉपर से। तो फ्रेंड्स, अब ये पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। और इसे इस घी के पिघलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग और 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसे चटकने देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जीरा तैयार हो चुका है, चटक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज, और अब इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। और ये जो टमाटो है छिलके निकाल के रखे हुए, इसे हम कच्ची से मैश कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अब ये मैश किए हुए टमाटो और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मैंने इसमें डाल दी है, और अब हम इसे अच्छे से मैश करेंगे और इसके बाद इसे दाल में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसे बॉईल आने देंगे और दाल में मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दाल का कलर कितना अच्छा आया है, और अब हम इसमें धनिया डाल के से सर्व करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।